वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। भाई साहब, हमारी तो सो के उठकर गुड मॉर्निंग हो गई है। मुझे लग रहा है टाइसन की अभी गुड नाइट हो रही है, क्योंकि वो रात को तो सो रहा था आराम से। अभी ना नहा कर आया, मतलब नहा कर नहीं, पापा नहाने जाते हैं ना, थोड़ा सा चीटे मार देते हैं, इसको बहुत ज्यादा पसंद है ऐसे गीले होना, तो गीले होकर सूख गया है, अब जाके सोया है ये बंदा। इतनी मजेदार नींद आ रही है, ठंडा ठंडा लगता है ना, इसलिए देखो कैसे सोला है बच्चा। तो अभी हम लोग थोड़ा लेट उठे आज, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा थकावट हो गई थी, बहुत ही ज्यादा वाली नींद आ रही थी मेरे को। और यहाँ पे सोना दूध के साथ नमकीन खा रही है, मतलब कल आया है ना राशन, तो उसको खत्म भी करना है बहुत जल्दी जल्दी, तो सोना उसमें रोल निभा रही है अच्छे से। तो ये देखो, इतनी कटोरी भर के नमकीन कौन लेता है भाई? मैं लेती हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम? तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो ये है ना, मतलब लगता नहीं है, फिर मेरा लग जाता है शरीर पे इतना लेती हूँ तो देख के लग जाता है। नहीं नहीं, खा मैंने नहीं खाया। तो मम्मी बना रही है आज मैगी, शायद कल लेकर आई है, तो मम्मी ने बोला एक बार निपटा ही देती हूँ। आज मम्मी का शायद नाश्ता बनाने का थोड़ा मन नहीं है आज, मेरे को लगा था सुबह सुबह इडली बनेगी, सुबह नहीं बनेगी, सुबह शाम को बनेगी, ऐसा क्या? तो मम्मी कौन सी वाली मैगी बना रही हो, प्याज वाली या फिर सिंपल नॉर्मल? जैसे मैगी दो मिनट में मैगी बोलते हैं ना, वही वाली मैगी। नहीं, दो मिनट में कभी नहीं बनती, आठ मिनट में बनती है। तो इसके कहने बना रही हो कि मैंने तो बोला प्याज व्याज वाली बनाना, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है। तुमने बोला है क्या? इसने बोला प्याज मत डालना, मैं कितने तरीके की मैगी बनाऊंगा, तो मेरे तरीके की बनाओ, उसकी बहुत सुनती हो तुम। तो चलो भाई, अभी थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, फ्रेश व्रेश होंगे, फिर कुछ करने का सोचेंगे। अभी टाइजे थे, गौर से क्या दिख रहा है, बोबो की वीडियो चल रही है। काईचन केली धुला, ओए बहुत क्यूट बनी बेटा, कितने पास यहां पे बैठ गया मेरे पास, फिर मैंने सोचा इसके लिए चलाऊं, जब भी लगाती हूं ना ये देखता जरूर है। देखो तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े पहन लगा ली थी, और ये देखो ये चढ़ के बैठ गया यहां पर, और सोना ने इसकी फेवरेट ओए होए, देख रहा कैसे ई करके देख रहा है काईचन। अरे मुझे देखने दो, मैं नहीं दूंगा ध्यान तुम पे। याद है सोनू जब आया आया था, जब हम ऐसा करते थे इसके साथ, फिर तो हमें कभी टाइम ही नहीं मिला इसका देखने का। ए मत दे पप्पी, मत दे, ये लो आप भी लो वापिस। भाई इसकी तो यही ड्रामेबाजी चलती रहेगी, हम अपनी वीडियो से भटक जाएंगे। तो सोना इसको ड्रामेबाजी कर लेते, आप अपना काम करते हैं भाई। टेंशन है तो भाई साहब, इतनी गर्मी है कि पापा पूरा यही लिया है, तो मैंने बोला पापा गिर गया था एक किसी टप्पू से कि इतना सारा लिया है, पापा ने बोला नहीं पागल है क्या, इतनी गर्मी है कि इसलिए पापा इतना सारा लिया है, अब फ्रिज में डालते रहेंगे। नींबू वींबू निचोड़ के डाल के पापा ने काला नमक, इस गर्मी में ये मिल रहा तो मजे आ जाए। और इतना ही नहीं, पापा माले क्या बोलते हैं, हाँ वेज रोल भी लाए हैं। वाह भाई वाह, तो दिन ही बन गया हम लोगों का। सुबह मैगी मिली वो भी मेरी मनपसंद वाली नहीं, पर अभी तो मिल गया ना मेरे को वेज रोल, मेरी एक्टिंग कर ली। और मम्मी यहाँ पे चाट मसाला भर रही है, ओहो पता पूरी तैयारी हो रही है, गिरा रही है दादा, क्योंकि भाई अभी पता है ना हमें क्या क्या करना है। ये देसी जुगाड़ है, इंडियन मॉम के अरे देखो कैच के मैं MBS जब घुस रहा है। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों बैठे हुए हैं, गर्मी से हलाल हो, हमने अभी ऊपर वीडियो बनाई, मैं आप कसम से उतारे 41 डिग्री है भाई, इतनी गर्मी है, पैर जल गया हम लोगों का, ऊपर चप्पल नहीं पहन के गए हम लोग, इतनी मुश्किल हुई हमें, कोई बात नहीं, मेहनत का फल खटने चटपटा होता है भाई। तो हमारा बनना शुरू हो गया भाई, वो ठंडा ठंडा क्या था, लिमका क्या बोलोगे, मसाला लिमका यही बोलना पड़ेगा। दो खुशखबरी, तो बनना और एक आ गया काला नमक, जिनको पता होगा मैं काला नमक की दीवानी हूँ भाई, काला नमक मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे खाना बनना शुरू हुआ नहीं कि हमारे यहाँ पे दोनों अभी तशरीफ फैला दिए हैं। और ये देखो मेन चीज तो ये है जी, अरे मेरे हाथ में चार आ रहे हैं, निकालिए क्या मम्मी, मैं तुम्हारी अच्छी बेटी हूँ ना, एक्स्ट्रा मिल जाता तो काफी अच्छा होता जी, है ना, हर चीज एक्स्ट्रा खा खा के तो एक्स्ट्रा हो गई हूँ तुम। मैं अपना रोज करवाने के लिए बोलती हूँ कि हर चीज, चलो चलो जल्दी जल्दी बनाओ, अब डल रहे हमारे सब में नींबू डालेगा, काला नमक पहले डाल दिया हुआ है, फूड ब्लॉगर। अब इसमें लिमका डालेगा, पंछियों का देखो मुंह भाई, तैयार से यार होके बैठी है रील के लिए। मैं आपको बताती हूँ एक बार, जब वीडियो बन रही थी ना सुबह, तो गंदा मुंह ना, जैसे पापा आए ना, देखो इसने वेज रोल लाए हैं, ये लाया है, वैसे ही मुंह ना दी थी, मैं क्यों ना इतनी खुश, पागलों की तो रही था।
2-3 बज गए, अब तो और ज्यादा गर्मी पड़ गई है। चोर मैं नहीं हूँ सॉरी, मैं चोरी है ठीक है ना। क्या चोरी कर रही है, देखो क्या मसाला, नीचे देख नीचे, हटा रहे हाथ, हटा रहे हाथ, हटा ये भाई बताऊँ क्या है, मैं आपको बताती हूँ, मैं तो देख लिया, मैं इसके साथ नहीं थी, बस एकदम एकदम मिल जाए तो भला हो जाएगा। पता ही कौन डाल लिया इसने, कौन है मतलब भुट्टा, और पता है तेरी तरह से पांच ही फेल थोड़ी है। हाथ में नहीं है चाट मसाला, काला नमक पीस 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 वो करा है इसने, और ये देखो वेज रोल की जो मेयोनीज थी ना वो बची है, तो ये मेरी है। डाइट तो अभी हो गई है शाम और मम्मी अभी बना रही है इडली, पता नहीं मम्मी ने आवाज ही बदल गई, धुआं आ गया, मम्मी ने अभी कुछ ठोक दिया है इसलिए खांसी आ रही है, तो मम्मी ने लगता है सांबर का, अच्छा सांबर का चोखा लगा आए, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है आज पहली बार सांबर। हमेशा 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 ही अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा धुआं धुआं हो गया, कुछ नहीं बोला। तो हम लोगों ने शाम को खाए थे, मम्मी इतने सारे पता नहीं क्यों केले मंगवा लिए पापा से, ये देखो अभी तो इतने बचे और इतने हम लोगों ने खा लिए, ऐसे नहीं खाया, ऐसे तो खा भी नहीं पाते हम लोग, वो मम्मी ने पापा से, पापा ने, मम्मी सो गई थी, पापा ने बनाई थी हमारे लिए बनाना चाट, और इतनी बढ़िया थी, काला नमक चाट मसाला डाल, अभी चुप बैठ, मम्मी पता है ऊपर भेज दिया पापा ने, और ये दोनों बंदी मेरे को दे दिया इन लोगों ने, पता है पापा ने बोला था सब लोगों को खाना है, मैंने कहा था मुझे वाटरमेलन खाना है, और पापा ने इतने में मैंने बोला था बनाना चाहिए बनाना वाटरमेलन का, अरे वाटरमेलन दूसरा वाला है, मैंने ये वाला शायद ज्यादा मीठा होगा ना, मैंने ग्रीन वाला देखा है हमेशा, ये देखो ये वाला कुछ डिजाइन में फर्क है, ग्रीन वाला देखा है, नहीं नहीं डिजाइन में नहीं, ऐसे ही होता है वाटरमेलन ज्यादातर, है ना, यस यस। तो अभी पापा ऊपर हैं और छत की थोड़ी सफाई कर रहे हैं, अपने पौधों की देख रेख कर रहे हैं, और टाइला सो रहे हैं, हमारे टाइला बेचारे, हमारे टाइसन का ना ये देखो बिना प्लानिंग किए गए पौध में सो रहे हैं, और बेचारे टाइसन का पैर दबा दिया था मंशिका ने, है ना, मैं ऊपर से आई थी नहीं कि मोना ने कहा था कुछ तो लेकर आ, फिर मैं नीचे आई तो टाइसन का पैर दबा दिया था रोने लगा, रोने, अरे जान मुझ के दबाया, गलती से हो गया था, बंद करने के दबा था ना तो लग गया, फिर ये रोया, फिर हमें बहुत बुरा लगा, ओए ओए यहाँ पे सोना भी ना, उससे भी डबल प्यार मिला, सोना यहाँ पे अभी नहा कर आई है, नहा धोकर फ्रेश होकर आई है, और क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो, नहा लूंगी चुप नहा लूंगी जब मन करेगा, टाइम हो गया है 8 बज रहे हैं, हाँ शाम के, अभी तक नहाई नहीं, मम्मी तुम मजाक उड़ाओ मेरा ठीक है, इडली सांबर पे ध्यान दो, तुम मजाक उड़ा रही है मेरे, नहा लेंगे गाइस, ठंड गर्मी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे। अब तो रोज का हो गया हमारा, क्योंकि आज स्पेशल था तो हमें जरूर ही यहाँ पे आना था, तो मम्मी ने ये देखो यहाँ पे चटनियाँ बनाई है, दो पंचा की फेवरेट है, हमारी फेवरेट है पर इडली के साथ खा जाती है, और ये रही हमारी, कितनी टेस्टी लग रही है, इडली गुदगुदी लग रही है। तो मम्मी डाल रही है परोसे सबको खाना, और वो देखो चांद कितना सुंदर लग रहा है, चांद में और हवा में खाने में कुछ अलग ही है, एक तो वहाँ चांद है और एक यहाँ चांद है, इधर इधर कैमरा में इधर। और ये तो गर्मी के मारे बाबू ने ये कर लिया, इसलिए ऊपर कर ली, हाँ बॉडी दिखा रहा है अपनी, वैसे मेरी सॉरी मोटापा हो तो सब मतलब बातों में बिजी है, लेकिन सुखड़ी खाने में बिजी है, अपना खाना लगी है बहुत, भूख लगी है, पापा से तुम्हें चाट बनाई नहीं खाई, मेरे को दी थी पहले, मैंने खोल दिया इसको भांडा, तो चलो भाई खाते हैं और अपना खाना एंजॉय करते हैं। अब हो गया हमारा सोने का टाइम, हमारे यहाँ पे गद्दा बीछ रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे बेड है क्यों नहीं वहाँ पे सोते, अरे भाई यहाँ पे जब एसी चलता है अरे अरे हाँ चल रहा है मैं बोली बंद कैसे हो गया, और मम्मी यहाँ पे बिछा रही है हमारा गद्दा, हमेशा ऐसे होता है कैमरा ऑन होता नहीं है और ब्लॉग करती रहती है, तो आज भी इसको ऐसा लगा
कि कैमरा ऑन है। हाँ मेरे को तो लगा एसी भी ऑन नहीं है, मैंने कहा ऑन है ऑन है। तो चलो भाई आज का दिन बहुत ही बढ़िया था हमारा, आई होप आपका भी बढ़िया गया होगा। हाँ बढ़िया था। अपने बेड पे क्यों नहीं सोते? अपने बेड पे हम इसलिए नहीं सोते क्योंकि वहाँ पे एसी लगा नहीं है, गर्मी रहती है थोड़ी। यहाँ पे हॉल में लगा है ताकि हर रूम में पहुंच सके, इसलिए हम हॉल में सोते हैं। अच्छी अच्छी हवा लेनी है ना। तो चलो भाई आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आज से। हाँ इससे ज्यादा इडली खा रही है इसलिए इसका यहाँ तक भर गया ना, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। बाय बाय। टेढ़े मेढ़े भी खाए जानो रे भाई। बाय।